हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे? आशा करते हैं सब लोग अच्छे। जोशना किचन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे सोयाबीन और आलू का सब्जी। तो इससे पहले भी मेरा कोई वीडियो अपलोडिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा हटके बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है 50 ग्राम सोयाबीन ले लिए हैं, सोया बोड़ी जो भी आप कहें। तो इसको गर्म पानी में हम देने के बाद अच्छे से धो लिए हैं और पनीर जो अच्छे से नचोड़ लिए हैं। यहाँ पे 3 हम आलू को बॉयल कर लिए हैं। इसको जो है हाथ से थोड़ा सा ऐसे फोड़ देंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, कुछ मसाला लिए हैं। लिए 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा। यहाँ पे ले लिए थोड़ी सी गरम मसाला, देख सकते हैं। इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, और यहाँ पे 1 लहसुन, और यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए पहले इसका जो है एक अच्छा सा हम पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई हम गरम कर लिए, उसमें हम छोटे चम्मच का 1 चम्मच सरसों का ऑयल दे दिए हैं। अब जो तेल खाते हैं वो दे। और यहाँ पे जो सोयाबीन को हम गरम पानी, जैसे गरम हो गया था पानी, उसके बाद सोयाबीन को हम डाल दिए थे। डालने के बाद जब सोयाबीन अच्छे से फूल गया, उसके बाद निकाल के जो है ठंडा पानी में 3-4 बार अच्छे से धो लिए हैं। अब जो है सोयाबीन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा हल्दी दे देंगे और थोड़ा सा नमक दे देंगे। तो जो जानता है कि सोया बोड़ी को कैसे गर्म पानी में देना है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं जानता है वो मेरा पुराना वीडियो देख ले, जिसमें कि सोयाबीन आलू का सब्जी बना हुआ है, कैसे हम गर्म किए थे उसमें है। तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम 1-1.5 मिनट जो है चला लेते हैं, सोयाबीन को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे जो है हम 1.5-2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिए। अब निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में फिर से हम बड़े चम्मच का 1 चम्मच सरसों का तेल दे दिए। अब गरम कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा खड़ा जीरा दे रही हूँ और 2 तेज पत्ते, और दे देंगे 1 प्याज को हम छोटे छोटे काट के रखे हैं। तो प्याज को जो है गोल्डन कलर होने तक का हम अच्छे से भून लेंगे या फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कलर जो है गोल्डन आने लगे हैं। अब हम जो है मसाला जो पीसे थे, धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन, वो पिसा हुआ दे देंगे। प्लेट को धो के थोड़ा सा पानी में दे देंगे। दे देंगे 1/2 चम्मच हल्दी। दे देंगे यहाँ पे हम 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर देंगे। और दे देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक जो है, हम जब सोयाबीन फ्राई किए थे तभी भी हम नमक दिए थे, और फिर से हम नमक दे दिए। तो अच्छे से जो है मसाला को भून लेते हैं थोड़ी देर। जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखने लगेगा, वैसे ही हम इसमें आलू डाल देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ऊपर से जो थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखने लगा है। आप यहाँ पे हम जो है 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर दे रहे हो, तीखी वाली। दे देंगे आलू जो कि हम बॉईल करके रखे हैं। और अगर आप चिकन मसाला नहीं देना चाहते हैं तो पनीर मसाला भी आप दे सकते हैं, या तो थोड़ा सा छोले मसाला दे दें, उसमें भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और जब आलू दे दिए हैं, हम थोड़ी देर आलू के साथ थोड़ा चला लेते हैं। तो थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम पानी दे देंगे।
तो फ्रेंड्स हमें ग्रेवी जितना रखना है उससे थोड़ा सा पानी दे दे, क्योंकि आलू जो है मेरा उबला हुआ आलू है, बॉयल आलू है, तो ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उसी हिसाब से पानी दे, जितना आपको ग्रेवी रखना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दे। बॉयल आने तक का वेट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब हम जो है सोया बोड़ी को दे देंगे। अब जो है हमको ढक के 5 मिनट पकाएंगे अच्छे से, ताकि मेरा सोया बोड़ी और सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी के अंदर जो है अच्छे से मसाला वगैरह अच्छे से चला जाए। तो मीडियम फ्लेम कर दिए हैं और इसको 5 मिनट हम पकाते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट ढक के पकाने के बाद हम ओपन किए हैं। अब इस टमाटर पे जो है हमारा 2 तेज़पत्ता था वो निकाल के फेंक दिए हैं, और अब दे देंगे हम 1/4 के गरम मसाला दे देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखने में कितना यमी लग रहा है ना, तो बहुत सिंपल और कितना इजीली तरीका से हम बनाए हैं देख सकते हैं। और खुशबू भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा से आ रहा है, क्योंकि हम इसमें चिकन मसाला जो कि दिए हैं। अब जो है ऊपर से थोड़ा सा हम हरी धनिया दे देंगे, हरी धनिया दे दिए हैं। अब यूं ही हम 5 मिनट और ढक के रख देंगे चूल्हे को बंद करके। फिर 5 मिनट बाद इसका जो शाइनिंग है, इसका जो कलर है, वो देखने का लायक होगा। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए कितना सुंदर एमी लग रहा है देखने में ही, और टेस्टी भी है, खुशबू बहुत अच्छा है। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आप सबको, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब लोग स्वस्थ रहे और हेल्दी फूड खाए, हेल्दी रहे। बाय।